हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बेसिकली टुडे की आज की क्लास में हम बात करने वाले कि अकाउंटिंग होता क्या है, वो किस तरह अकाउंटिंग को परफॉर्म किया जाता है और अकाउंटिंग हम किस किस चीज़ की कर सकते हैं। तो बेसिकली तो ये एक नॉर्मल बात होती है, अकाउंटिंग हम हर किसी चीज़ की कर सकते हैं। हमारी डेली लाइफ में जो ट्रांजेक्शन होती है हम उसी की भी अकाउंटिंग कर सकते हैं, लेकिन जो हम यहाँ पर प्रॉपर अकाउंटिंग सीखने जा रहे हो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो रही है। तो उससे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल कलीम अकेडमी को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को दबाना ना भूले। और किसी स्टूडेंट को कोई क्वेरी हो, से केमिस्ट्री, फिजिक्स या स्पेशली अकाउंटिंग में, तो उस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। आइए चलिए वीडियो की जानिब। तो अकाउंटिंग है क्या, अकाउंटिंग की डेफिनेशन को पहले समझते तो प्रॉपर आपको अकाउंटिंग आ जाएगी। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। व्हाट रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग तो हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। अभी जैसे कि आप देख रहे, मैं एक ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये भी एक रिकॉर्डिंग है। फॉर एग्जांपल, मेरी एक टी शर्ट की शॉप है और मैं उसमें डेली एक्टिविटीज़ हो रही है, वो सारी भी रिकॉर्ड हो रही होती है। तो क्या रिकॉर्ड करना? बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना। व्हाट ट्रांजैक्शन? बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना। बिजनेस ट्रांजैक्शन से मुराद क्या? मेरी टी शर्ट की शॉप है, जैसे मैंने बताया, उसमें अगर मैंने 100,000 टी शर्ट का ऑर्डर एक रिटेलर कंपनी को दिया और उन्होंने मुझे डिलीवर कर दिया, तो मेरे लिए वो परचेसेस हो गए और उनके लिए वो सेल हो गए, तो इसको रिकॉर्ड करना। उसके बाद रिकॉर्डिंग तो हो गई। व्हाट क्लासिफाइंग? क्लासिफाइंग का मतलब मेरे लिए वो टी शर्ट जो 100,000 के जो टी शर्ट मैंने ऑर्डर किए थे, मेरे लिए परचेसेस थी, कंपनी के लिए सेल था, तो मेरे लिए परचेसेस और कंपनी के लिए सेल, तो इसको क्लासिफाई कर दिया कि मेरे लिए परचेस अकाउंट बनेगा, कंपनी के लिए सेल अकाउंट बनेगा। वो क्लासिफाइंग के बाद उसको समराइज करना। समराइज किस तरह के? परचेस अकाउंट में टी शर्ट जो मैंने ऑर्डर की थी 100 के, उसकी जो मैंने पे कर दी, उसको समराइज करना। और उसके बाद फाइनेंशियल रिकॉर्ड, जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड, फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 के टी शर्ट का ऑर्डर दिया, तो ये एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो मैंने रिकॉर्ड किया था यहाँ पे, कि मैं मेरी शॉप थी और उसमें मैंने 100 के टी शर्ट का ऑर्डर दिया एक कंपनी को, जो रिकॉर्ड हुआ, और उसको फिर मैंने मोर क्लासिफाई करके उसको समराइज किया, तो ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड। और इसको एक सिग्निफिकेंट मैनर एक प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग करके मैंने रिकॉर्ड कर दिया, टू कम्युनिकेट द रिज़ल्ट और प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, कि मैं इसको आगे सेल आउट करूँगा। एक कंपनी से मैंने 100K टी शर्ट का ऑर्डर दिया मैंने कंपनी को और उन्होंने मुझे डिलीवर करके दिया, तो उनके लिए ये परचेसेस, मेरे लिए क्या? सेल। तो आइए हम इसको एक प्रैक्टिकल वे में समझते कि रिकॉर्ड करना क्या होता है, फिर क्लासिफाई करना क्या होता है, फिर इसको समराइज किस तरह किया जाता है। सबसे पहले काम मैंने किया, कंपनी को मैंने ऑर्डर दिया 100K टी शर्ट का, 100K टी शर्ट का ऑर्डर दिया, तो कंपनी ने मुझे डिलीवर करवा दिया, तो ये 100K टी शर्ट ये रिकॉर्ड हो गए। उसके बाद इसको क्लासिफाई किस तरह करती है? पोर कंपनी, जिस कंपनी से मैंने ये ख़रीदा, उनके लिए ये 100K टी शर्ट क्या होगी? उनके लिए ये होगी उनकी सेल, तो इसको मैंने क्लासिफाई कर दिया, ये उनके लिए सेल हो गई। और मेरे लिए ये क्या होगी? फॉर मी एज अ शॉप ओनर मेरे लिए ये क्या होगी? मेरे लिए ये परचेसेस होगी। कितने की परचेसेस? 100K की परचेसेस, क्या? टी शर्ट। तो मैं इसको एक प्रॉपर वे में अकाउंट करते, एक जनरल में जिस तरह मैं ले जाऊँगा क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में क्या जाएगा, डिस्क्रिप्शन में और डेबिट क्रेडिट में क्या जाएगा, तो मैं इसको एक प्रॉपर रूल कर देता हूँ कि मैंने 5 तारीख को मैंने 100K टी शर्ट कितने की ली? 100K की परचेस, ये कंपनी ने परचेस की, इसके साथ मैं कंपनी लगा देता हूँ। और फॉर मी ये सेल ट्रांजैक्शन थी, तो मेरे लिए क्या थी? मेरा नाम कलीम, तो मैं अपने नाम से ये लिख दूंगा, मेरे लिए मेरे 100K तो चले गए और कंपनी को 100K मिल गए और मुझे टी शर्ट मिल गए, तो इसके एक प्रॉपर अकाउंटिंग करते हैं, इसको जनरल कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जनरल भी सीखेंगे। आज की वीडियो में प्रॉपर ये अकाउंटिंग के डेफिनेशन सीखना है।
तो हमने जैसे कि वीडियो में देखा कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। पहले हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया, एक नॉर्मल रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद क्लासिफाई कर दिया कि कंपनी के लिए ये सेल ट्रांजैक्शन हुई, मेरे लिए ये परचेस ट्रांजैक्शन हुई। उसके बाद मैंने इसको समराइज किया कि मैं कितने की ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, 100 के। उसके बाद इसको एक सिग्निफिकेंट मैनर में कि परचेस के अकाउंट में क्या जाएगा, सेल के अकाउंट में क्या जाएगा, तो इसको एक सिग्निफिकेंट मैनर में मैंने जब लिखा तो मुझे रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ। तो इसको प्रॉपर अकाउंटिंग कहते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हेड्स ऑफ अकाउंट क्या है। अकाउंट के हेड्स 5 तरह के होते हैं। मैं आपको हैंड देता हूँ कि एसेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, कैपिटल या ओनर इक्विटी भी बोल सकते हैं, और इनकम या रेवेन्यू। जो फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग में ये 5 चीज़ें आती है, एक और भी अकाउंटिंग होती है लेकिन वो फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग में आती नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज़ अ ड्राइंग। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कलीम अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को दबाना ना भूले। और अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।